हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल हाउ आर यू इज डूइंग आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल सो टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अनदर मीशो हॉल बेसिकली कुर्ता प्लाजो हॉल इसमें मैं चार सेट मैंने मंगवाए हैं मीशो से कुर्ता प्लाजो से और उसका रिव्यू करने वाली हूँ कैसे हैं क्या क्या प्राइस है कितना अच्छा यू नो वर्क है उन पर और कितना क्वालिटी कितनी अच्छी है मेरी पहली वाली मीशो हॉल को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस वाली

तो सबसे पहला जो सेट मैंने मंगवाया है वो है ये लुक एंड लाइक रेन गोल्ड प्रिंट जेबरी स्लीवलेस कुर्ता एंड प्लाजो इसका साइज मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया है हालांकि वो भी मेरे साइज का नहीं है वो भी मुझे थोड़ा सा लूज है इसका ओरिजिनल प्राइस थ्री फिफ्टी फोर रुपीज़ है और सेल पे मुझे थ्री फोर्टी फाइव रुपीज़ में मिला था बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है बात करूं अगर इसके फेब्रिक की तो रेन का फैब्रिक बहुत ही प्यारा प्रिंट है इवन दो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना अगर समर में आप इसे पहनने वाले हो ना तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली है बिल्कुल भी नहीं चुपता है और इसके गले के ऊपर इतना प्यारा हैंडमेड जो ये बटन लगाए हुए है ना ये मेरा एक्चुअली में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसका प्रिंट भी एक्चुअली में जो ओरिजिनल दिखाई दे रहा है वही है सेम फैब्रिक बहुत अच्छा है बहुत ही सॉफ्ट है इतने कम प्राइस में इतना अच्छा सेट मिल रहा है ना कि सबसे अच्छी बात इसका कलर कॉम्बिनेशन है लाइक जो टॉप वियर है उसमें प्रिंट किया हुआ है और बॉटम वियर और प्लेन है सो सॉफ्ट इज सो कंफर्टेबल बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है बहुत अच्छा लग रहा है इवन कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो ये बेस्ट है इवन अगर आप ऑफिस में जाते हैं या फिर कहीं यू uh, नो you know, बाहर घूमने जाते हैं शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो ये बेस्ट है आई थिंक आप लोगों को ये वाला तो डेफिनेटली परचेज कर लेना चाहिए नेक्स्ट जो सेट है ना पता नहीं उसको देख करके मुझे जयपुर की याद आई I मीन mean, राजस्थान की याद क्यों आ गई थी बहुत ही प्यारा प्रिंट है ये है ट्रेंडी वोग्यूस वमन कुर्ता सेट इसका जो साइज़ है वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ लिया था मैंने और पता नहीं क्यों स्मॉल साइज़ में आ गया और वैसे भी अगर एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में आता तो भी ये मेरा साइज़ नहीं था फैब्रिक की बात करूँ तो सेम रेन है और इसकी स्लीव जो है वो थ्री क्वार्टर स्लीवस है इवन जिसको यू नो फुल स्लीवस भी नहीं है और हाफ़ स्लीवस भी नहीं है जो और इसके ना जो गले पर ना ऐसे गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था इसका औरिजिनल प्राइज़ है थ्री फिफ्टी फ़ोर आ, सेल पे ये मुझे थ्री थ्री नाइन का मिला था इवन दो उससे भी कम में मिला होगा मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि जो प्राइस है वो चेंज होते रहते हैं सो so, मेरे लिए इसपे थम्सअप है साइज का इशू है आई नो दैट बट वो मैं मम्मी से ठीक करवा लूंगी आई नो मुझे एक दो गालियाँ सुनने को मिलेंगी बट इट्स ओके सहन कर लेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट आई हैव दिस काशवी सेंसेशनल वोमन कुर्ता सेट इसमें लास्ट जो साइज था वो स्मॉल साइज ही था एक्सट्रा स्मॉल या उससे नीचे वाला साइज था ही नहीं तो मुझे ये स्मॉल साइज ही लेना पड़ा और इसका ओरिजिनल प्राइस थ्री फोर्टी फाइव रुपीज़ है और सेल पे ये मुझे थ्री फोर्टी अराउंड मिल गया था बात करूं अगर फैब्रिक की तो कॉटन ब्लेंड इसका फैब्रिक है कलर का थोड़ा सा इशू हो गया था एक्चुअली में जो कलर दिख रहा है ना इसके अंदर ये वो कलर नहीं है ये आपको स्काई ब्लू टाइप ऑफ कलर दिख रहा होगा बट ये कलर स्काई ब्लू नहीं है ऑरिजिनल में ये आ, थोड़ा सा लौकी का कलर होता है ना उस टाइप का कलर है बट ये एक्चुअली में इस कलर का दिख रहा था और ये कैमरा पे भी इसी कलर का दिख रहा है सेम बट एक्चुअली में ये एक कलर का इशू था इसमें मुझे इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी इसके ना बैक में भी प्रिंट है और फ्रंट में भी प्रिंट दिया हुआ है और इसके जो गले पे और बाजुओं पे वर्क किया हुआ है मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद आता है इस टाइप के वॉक प्लाजो के नीचे की साइड में भी ना बहुत ही प्यारा प्रिंट दिया हुआ है एक्चुअली में प्लाजो नहीं है पैंट प्लाजो आप इसे बोल सकते हो ओवरऑल लुक बहुत ही प्यारा है बहुत अच्छा है बट कलर मुझे ये वाला भी पसंद आ रहा है बट एक्चुअली में जो कैमरा में दिख रहा है ना मुझे मैंने यही सोच के मंगाया था बट ये कलर नहीं है ये बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल होने वाला है और समर्स के लिए तो ये जितने भी सेट मैंने मंगाया है ना स्पेशली समर्स के लिए है और ये बेस्ट है बहुत ही कम्फर्ट नेक्स्ट आई हैव दिस पता नहीं इसका नाम क्यों नहीं है या फिर शायद शॉर्ट फॉर्म दे दी है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका नाम ये है के वी पी आर ओ मेहंदी बस दैट्स इज इसका इतना ही नाम है और साइज है इसका स्मॉल लास्ट स्मॉल ही साइज़ था बट इसका जो ये ओरिजिनल कलर दिख रहा है ना वैसे सेम एक्चुअली में कलर नहीं आया है uh, मेहंदी कलर जैसे डार्क कलर दिख रहा है ऐसे पिक्चर में वैसा आना चाहिए था बट ऐसा नहीं है uh, जो कैमरा पे कलर दिख रहा है ना वही है और दूसरा इसके अंदर जो प्रिंट दिख रहा है ना वो ओरिजिनल प्रिंट नहीं आया है थोड़ा चेंज हो प्रिंट आया है इस वाले सेट में ना बाजुओं पर भी और झोले के साइड में गोटा पट्टी का वर्क है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है और सेम एच इज प्लाजो में भी है एक्चुअली uh, में ये स्मॉल साइज से कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे बट इट्स ओके थोड़ा बहुत तो, अगर बात करूँ इसके फैब्रिक की तो सेम एज इट इज रियॉन का फैब्रिक ही है बहुत ही कम्फर्टेबल है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है बट कलर का इशू है और बहुत ही प्यारा लुक आता है इसको पहनने के बाद में इसको मुझे मेरे साइज का करने में थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ेगी बट इट्स ओके थ्री एटी सेवन रुपीज है थ्री एटी मिल जाएगा ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है चारों के चारों सेट बहुत अच्छे हैं बहुत कंफर्टेबल है कलर्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है फैब्रिक ओवरऑल बहुत अच्छे हैं प्राइस बहुत अच्छा है मुझे बहुत पसंद आए सारे के सारे सेट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दैट्स इट फॉर टू डेज वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो को लाइक कर देना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने आसपास के लोगों के साथ में लेडीज के साथ में ताकि उन्हें भी इनका थोड़ा सा यू you नो know, फायदा हो जाए बेल आइकन भी प्रेस कर देना और मेरे मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कॉन्टेंट डालती रहती हूँ सो या मैं मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग